अल्लाह तेरा है एहसान, रोज़े नमाज़ें और कुरान है ये सब रूहे ईमान, नूरे रमज़ान। हैदराबाद दिखाएंगे आपको, आज हैदराबाद ही दिखा दूंगा अपने ब्लॉग में। हिल टॉप का रोड है। हाँ मुझे भाई रास्ते वास्ते याद नहीं होते, हैदराबाद भी कम नहीं है किसी से। देखे माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत सिटी है। ईमान, हाय ईमान साथ में। ये हम चल रहे हैं हिल टॉप की चढ़ाई पर। हम सिटी में देखें भाई, ये हम चल चुके हैं हिल टॉप की चढ़ाई पर। देखें भाई आप हैदराबाद देखें आज आप लोग, और मैं हूँ इस वक्त अभी बाइक पर, और ईमान फातिमा को हम लेके जा रहे हैं डॉक्टर के। ईमान फातिमा ने बहुत तंग करा है आजकल। तो गाइस अब हम लोग आ चुके हैं कैंट में, और शोर हो रहा होगा तो भाई शोर से आप लोग करिएगा कॉम्प्रोमाइज। और ये देखते हैं आप लोग, पता नहीं मैं आ भी रही हूँ नहीं आ रही मुझे नहीं पता, क्योंकि बाइक पे डर लग रहा है कैमरा यूज़ करने में। हम कैंट में आ चुके हैं। आज आप लोगों को हैदराबाद सिटी का टूर करवा रहे हैं हम लोग। देखें भाई ये सारे ब्रांड्स आ चुके हैं जहाँ से हम शॉपिंग अभी रमज़ानों की करेंगे, और यहाँ पे भी इंशाल्लाह आएंगे सब जगह। हाँ ये वही बॉम्बे बेकरी भी आ गई है, हैदराबाद की फेमस। यहाँ से स्टार्ट है वो अंदर तक पूरा रोड भी जा रहा है, वो देखें भाई पूरा वहाँ तक। और बॉम्बे बेकरी को तो सब जानते होंगे, कौन नहीं जानता। चांदनी मार्केट आ चुकी है, और यहीं पे साथ में मोबाइल। अच्छा जी भाई ये बन रहा है एप्पल टावर। वाह भाई वाह, क्या बात सुने एप्पल टावर, मतलब क्या यहाँ एप्पल मिलेंगे? आईफोन मिलेंगे। हाँ हाँ एप्पल मिलेंगे। माँ चीज़ें खा खा के ईमान ने अपना ये हाल कर लिया है। हर जगह रुक के ईमान को चीज़ें दिलाना भी बहुत ज़रूरी होता है। टाइम लगेगा। अभी ग्लासेस कहाँ गए? क्लासेस कर रहे? क्या खा रही है आपका रोज़ा नहीं है? मेरा बेटा। तो भैया हम लोग आ गए फाइनली डॉक्टर के ईमान को लेकर, और दुआ करिएगा सब अच्छा अच्छा हो, क्योंकि ईमान फातिमा के आंतों में इन्फेक्शन या वर्म वगैरह पर पता लगेगा, तो वो अल्ट्रासाउंड के बाद ही पता लगेगा। और मुझे हुई बहुत टेंशन, बस अल्लाह पाक अच्छा करे जो भी। ये इतना सा 50 का दे रहे हैं आप? बेटा पूरी बोतल दिए चले। ईमान फातिमा आप हैप्पी हैं? ग्लासेस उसने गुस्से में फेंक दिए थे भाई, लगाए इसके ग्लासेस। बाबा ने भी लगाया। हम लोग आए थे गाइस डॉक्टर के, और ईमान फातिमा ने डॉक्टर के अल्ट्रासाउंड होते ही एक तूफान बर्पा कर दिया, इसीलिए ईमान को बहलाने के लिए हम लोग यहाँ पार्क में आए हैं। ईमान अब तो अब आप ठीक है? हाय करें जल्दी से। बिल्कुल पीने अच्छा है। आ जाए ईमान को मंकी दिखाते हैं, सुना यहाँ मंकी भी है, और घर पे भी जाना है, रोज़ा है भाई, अब तारी का भी काम करना है, तो बस थोड़ी देर के लिए मैं इसको यहाँ लेकर आई हूँ। चलें जल्दी आए, धूप हो रही है। ईमान का पार्क हैदराबाद में, बताएंगे कौन सा एरिया है? ये कैंट है। ये कैंट है भाई, ये देखें भाई हैदराबाद का कैंट का पार्क है। हाँ ईमान की वजह से रोज़ा लगवा देगी ईमान आज। धूप देख रहे हैं आप, अभी इतना अच्छा मौसम था, बारिश थी सप्ताह, लेकिन अभी यहाँ धूप निकल चुकी है। और चलें देखूँ यहाँ पे, वहाँ से जाना था जहाँ से ये लोग जा रहे हैं, मैं भी वहीं से जाऊँ ना, मैं वहाँ से क्यों जा रही हूँ? मंकी तो खैर यहाँ नहीं, मुझे तो यहाँ पे कैटो दिख रही है।
क्या क्या है यहाँ पे? तो ये पजन तो ईमान घर में भी देख लेगी, आप तो कह रहे थे मंकी है या? मंकी भी होगा फिर ढूंढने। ईमान पकड़ा दो आपको मंकी से, क्यों रो रही थी आप? भूखा लग रहा है, निकल के नहीं आ जाए। करेगा करेगा करेगा। आप तो खुद डर रहे हैं। ईमान की फाइल ही दे रहे हैं आप? ठीक है, ठीक है, चीज है बात सुनो, अच्छे लग रहे हैं। खत्म हो गए? नहीं नहीं और क्या है। ईमान चले घर? हाँ तो आपको अब दिखाए, चले घर है आप तो आज कभी करना है घर जाके। ईमान आपको आपको मंकी के पास भेजूं अंदर? नहीं। चली जाए ना घर, चले ईमान चले आ जाए। वहाँ जंपिंग कैसल में बिठा देना ईमान को, थोड़ा सा खुश हो जाए। जब तो बहुत छोटी थी जब समीर के साथ आए थे हम यहाँ। ये दूर बहुत पड़ता है, यहाँ आना नहीं होता, अब लेकर आएंगे यहाँ पे। अच्छे झूले वूले भी है ना, ईमान खुश हो जाएगी। जी मजा आ रहा है, कहाँ जाना है? झूला झूलना है? बात सुने, जंपिंग कैसल में थोड़ी देर बैठा देते, खुश हो जाएगी बच्ची, इतना रोई है मेरी आज। चले भाई आ जाए, मेरी मानो आज बहुत रोई है। ये क्या इतना घूम कर आए? खोल दो अगर खोल सकते हो तो भाई। शाम में आएंगे ईमान को दोबारा लेकर, ईमान देख के, ईमान को दोबारा शाम में ले आएंगे, धूप बहुत है, फजूल में तबीयत खराब हो जाएगी, हमें भी रोजा लग जाएगा, इससे पहले घर चले, अभी अफ्तारी वगैरह का करना है। सही है ईमान, खुश हो गई आप? ईमान को एस्ट्रो दिलवा देगा भाई, ईमान ने अपनी फेंक दी वो। चाहे घर चलते हैं, ईमान का मूड अच्छा हो गया है फाइनली, तो हम घर जा रहे हैं। चले ईमान अब हम जा रहे हैं घर की तरफ, और फिर तारी कभी ऐसा हो सकता है कि ईमान नहीं जाएगी, लाइट उठाऊंगी उसको थोड़ा रेस्ट करने के लिए, दवाएं इतनी खा रही है तो छोड़ दिया था मैंने। फातिमा ईमान ईमान चलें डॉक्टर के चलते हैं। सो गाइस अफ्तारी वगैरह सब हो गई थी, और पहले रोज़े को पता नहीं क्यों होता है थोड़ा सा सर में दर्द होता है, तो पैनाडोल खा के थोड़ा रेस्ट करने के लिए लेट गई थी मैं, और मैं इतना लेट घर में आई थी कि इतनी अफरा तफरी मच गई थी अफ्तारी की, तो व्लॉग मैं अफ्तारी का नहीं बना सकी, लेकिन वो भी इंशाल्लाह रमज़ान तो भी पूरा महीना है तो आप लोगों से शेयर करेंगे। और अभी मैं दोबारा से जा रही हूँ ईमान को डॉक्टर के लेके, दोपहर में मैं गई थी अल्ट्रासाउंड के लिए लेकर, और अब मैं जा रही हूँ ईमान को डॉक्टर के दोबारा से उसके रिपोर्ट्स दिखाने, और उसके बाद फिर देखते हैं कहाँ जाना है। ये मुझे शॉपिंग करवाएंगे आज, करवाएंगे शॉपिंग है? शॉपिंग तो होती रहती है, होती रहती है, रहती है। अच्छा आज करवाएंगे, व्लॉग में दिखाऊंगी। तो चले घर, लेट हो रही हूँ, चलते हैं फिर। जी हाय गाइस, ये हम लोग जाए थे ईमान फातिमा को डॉक्टर के लेके, देखो रंगे हाथों आप दोनों पकड़े गए। नहीं हम वैसे भी लेट हो रहे हैं जी। क्या को लग रही थी भूख? अच्छा को अच्छा शायद नहीं है क्या? ईमान बाहर है बेटा, वो देख के भटक जाएगी। हम जा रहे हैं डॉक्टर के, लेट हो रहे हैं, टाटा। मैंने भैया ईमान फातिमा को लग रही है भूख, और मुझे भी लग रही है। अफ्तारी कम खाई थी, नहीं खाया जाता अफ्तारी में ना, एकदम से बस दिल चाहता है कि पानी पीते रहे, तो इसीलिए हम लोग आए यहाँ पे खाने के लिए, और ऑर्डर दे चुके हैं हम, जब तक ऑर्डर नहीं आया तो मैंने कहा व्लॉग स्टार्ट कर दूँ।
माशाल्लाह से ईमान की रिपोर्ट भी बिल्कुल क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ईमान की रिपोर्ट की बड़ी टेंशन थी ना, तो माशाल्लाह से वो भी क्लियर है अल्लाह का शुक्र है। तो अब और टेंशन रिलीज हो गई है, अब भूख लग रही है अच्छी वाली। क्या कह रहे हैं आप? डॉक्टर तो नहीं बुलाया। डॉक्टर का काम है बस, अब तो डॉक्टर कसाई बन गए सही बताऊँ तो। बस अब डॉक्टर कह रहे हैं कि 7 दिन बाद दोबारा आओ, लेकिन हम नहीं जाने वाले, माशाल्लाह हमारी बच्ची ओके है। हम खाना खाएं और टेंशन फ्री करें और फिर व्लॉग का एंड करेंगे घर जाकर। मान फातिमा आप क्या खा रही हैं? हमारी बिरयानी आ गई है गर्म गर्म, अभी अभी देख उतरी है ना, गरम गरम। चले भाई मोनी खा लो ना। मैं खाना खा के आया। खाली चल रही है। टेस्ट तो करो, यहाँ की बिरयानी तो टेस्ट करो, अच्छी होती है। अभी खा के आऊँ बिरयानी। चलो तो फिर मैं खाऊँ। हाँ मजा की है, अच्छी है। ये सब चट हो चुका है फाइनली और मोनी ने तो कुछ खाया नहीं, फ़ायदा क्या हुआ मोनी के आने का है? मोनी ऑलरेडी बिरयानी खा कर आया था, यही हो। भाई यहाँ की बिरयानी बड़ी मज़े की होती है, मज़ा आ गया कसम से। चले हम बहुत सारे चले, देर लगेगी, जल्दी से कर लें। हाँ अभी सबने खा लिया था, आंटी रह गई थी तो उनके लिए हम लोग लेके जा रहे हैं शवरमा। खाली मोनी तुम जाके लेकर आ जाओ, सही है जा आंटी के लिए। सबने खा लिया था तो आंटी रह गई, तो हमने सोचा कि उनके लिए भी ले लें। और मैं वहाँ व्लॉग बना रही हूँ, शवरमा वाले समझ रहे हैं कि मुझसे बात कर रही हूँ, क्या अच्छा अच्छा। रमजान में ये हल्की फुल्की भूख लग जाती है। हाँ अफ्तारी के बाद यार लगती है, हल्की फुल्की होना चाहिए। अब अफ्तारी सहरी भी बनाओ, अफ्तारी भी बनाओ, उसके बीच का खाना बनाओ, इतना काम नहीं कर सकती मैं तो। इस टाइम हम बाहर खा लेते हैं ना। हम लोग कहाँ पर मौजूद हैं? हम लोग 7 नंबर है ना, ये अल फजर फाइन डाइन, अल फजर फूड। ये शवरमा है, हमने सबने खा लिया, मोनी ने सब। चले तो गाइस फाइनली आज का रोज़ा ख़त्म हुआ और पूरे दिन की हमने डेली रूटीन आप लोगों को दिखाया और रमज़ानों की चहल पहल बहुत रौनकें भी दिखाई और ईमान फातिमा के डॉक्टर का सीन भी दिखा दिया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।